नेगेटिव बीज बोने से, बबूल के, नीम के कड़वे बीज बोने से आम के फल कभी नहीं मिलते। ये आदत छोड़ो अपनी, हर बात में उल्टा बोलना, नेगेटिव बोलना, ये डेविल की भाषा होती है। आप अपने चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे, नेगेटिव ऑरा क्रिएट करेंगे, और फिर नेगेटिव लोग ही आपके आसपास आएंगे, नेगेटिव परिस्थितियां ही बनेंगी। अगर आपने ये नेगेटिव एटीट्यूड नहीं छोड़ा, ना आपको बाहर सक्सेस मिलेगी और ना अंदर पीस, शांति और हैप्पीनेस मिलेगी, मिल ही नहीं सकती है। देखो बात तो सही मैम ने बोला, आकांक्षा अग्रवाल मैम जो कि पीडब्ल्यू से हैं, जो चीज़ तुम उल्टा बोलोगे, मतलब जो चीज़ बार बार बोलते रहोगे ना, वो चीज़ रियल में हो जाता है, माना जाता है ऐसा। तो नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव होगा ही होगा, ये निश्चित है। सराउंडिंग्स में ना वो नेगेटिव पावर आ जाते हैं, और हर चीज़ हर बार एक ही चीज़ बोलोगे, मतलब नेगेटिव बोलते रहोगे, रोते रहोगे, प्रॉब्लम में हैंगिंग गाते रहोगे, सुनाते रहोगे अपना दुख तकलीफ ना, तो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर माइंड लेवल से या बाहरी लेवल से अगर आपको निकलना है ना उस दुख तकलीफ या नेगेटिव थॉट से, तो पॉजिटिव सोचना शुरू करो। पॉजिटिव सोचोगे वैसा थॉट बनेगा, थॉट प्रोसेस होगा उस तरीके से आपका वो बनेगा, तो वैसे लोगों के साथ आप जाओगे, वैसे लोगों के साथ जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, और पॉजिटिव वाइब्स आएंगे तो अंदर हो या आपके बाहर हो, दोनों चीज़ एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये बात है, दूर रहो नेगेटिविटी से, नेगेटिव और आप बहुत गलत हो, बहुत बहुत बुरा होता है हमारे लिए, अंदर से हमें डैमेज करता है और बाहर से भी कर जाता है, फिजिकली भी डैमेज कर जाता है। चलो फिर ऐसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन या फिर स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।